नमस्कार स्वागत बा श्रोता मित्र मई कार्यक्रम प्रस्तुता संगम के तरफ से। श्रोता मित्र जिंदगी के दौर में सुख दुख मिलन बिछोड़ जरूर है। हर एक व्यक्ति के जिंदगी में एक तो कहानी बन जाए। आज भी मैं अपने उगनक महाज में एक तो कहानी प्रस्तुत कर जाए। श्रोता मित्र अपने उग्र ये कार्यक्रम यूट्यूब चैनल फुलरिया म्यूजिक भेट में से अपन चाहल समय में सुन सीखी। ओ थारू गीती कथा कार्यक्रम फुलरिया में मन के बात रेडियो सुदूर संसार 106.5 मेगाहर्ज बसे। ओ ऑनलाइन मा www.radiosudursansar.com.np मार्फत हरेक मंगलवार और शुक्रवार रात 9:15 बजे अपने उग्रह संसार भर एक संग सुन सीपी। श्रोता मित्र ई कार्यक्रम का प्रायोजक हुई जय माँ पूर्णागिरी शॉपिंग सेंटर ओ जय भूमिका शॉपिंग सेंटर। श्रोता मित्र उग्र यदि अपने उग्र IBRTCB कल से जय भूमिका शॉपिंग सेंटर ओ जय माँ पूर्णागिरी शॉपिंग सेंटर मना अपन खाचल जसिन लुगा कपड़ा जुटा चप्पल ठान के कपड़ा अपने उग्र रोज रोज कना ले सकती। मैगर श्रोता मित्र आज कार्यक्रम का पर्दा में उघार सकनो यदि आज कथा कहानी ओ पात्र होकनक नाऊ अपने होकनक व्यक्तिगत जीवन में मेल खाई पुगी कलसे केवल संयोग मात्र समझते भी। श्रोता मित्र ओकरा मैकर कपिला आज में अपने होकनक माझ में हास्य कल बाटो आज एक ठो कथा ले गए बाटो जोन सत्य कथा हो। अंतिम सफर कना शीर्षक मना ई कथा पा श्रोता कथा असी का शुरू हुए। जारक मौसम दिन धीरे से निगराट अपन किरनी चार ओर फैली थी। जारे ले सारा मने सुई 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 कर दी कोई आगे अकोले रठाई दे कोई जारक मारे गुत्री घुमर के पथरी चिमठाइल रठाई। जस तक दिन निगराट उस तक डंडोर किरनी फेंकाई लागते मने घरेम से निकरे भीड़ था घाम टापे कोई घमौनी बैठल चिल्लूर हेर था दे कोई गाला मार के बैठल रठाई कोई घरक अंगनम रठाई दे कोई डकर तकर में बैठ के गाला मारल रठाई सबसे सबसे अपने ढोन में रठाई कोई हाँसटे कोई बटवाइट डगर में मेर मेरी यात्री होने अपन अपन सुर में रठाई। लड़का अपन बगाल संग खेलता जवान अपन बगाल संग रमाइठाई ओ घरक टर्निन अपन अपन घरक कामक बात बटवेटी रठा बटवेटी गाला मारल देखा परत। शनिवार के दिन रहत ओहे दगर में 70-75 उमेर के बुरैल सुमित्री घुंघुर मुघुर लुकरा कमरा चदरी ओहर के धीरे धीरे अपन पैला सर्दी नेगर देखा पड़थिन। आठे में टेकनी पकड़ के 4-5 पैला नेगिन फेन ठरिया जाइन। बिचारी सुमित्री रोगिया शरीर रथिन गोरा में बिरुवक पट्टी बाँधल रथिन सेक ने सेक कह के जिंदगी के अंतिम सफर में रथिन। सुमित्री सारा दुख पीड़ा से संघर्ष करती उ डगर में यात्रा करता हैं। मात्र एक ठो आशा रहें कबू निराशा नहीं करीना मृत्यु पाछे जरूर स्वर्ग में रह पाइन। जहाँ कबू दुख नहीं हो उठाओ सोनक डगर में निगटी मोटी के बनल द्वार सोच बैठम गई के सोनक बनाइल घरेम रह पाइम कना पक्का विश्वास आशा करके अंतिम सफर करता हिन। सुमित्री दुखी जिंदगी कष्टमय यात्रा अनुहार बटाई दिन सुमित्री के यात्रा दुखी बटिन। सुमित्री डगर में बिसाइक लाग एक खचिक ठरियाइन लड़कन हे खेलत हेरिन। शायद उ बेला सुमित्री हे अपन बचपन की याद आयल हुईन अपन छोट में खेलल रमैलक जवानी के उ पल झलझली आयल हुईन। हर मनिन के चाहराहट की फेन उहे दिन उहे जवानी उहे खुशी उहे पल घूम के आटे काने कना तर उ दिन के बाद केवल कहानी एक ठो बटको ही बन जाए। सुमित्री फिर अपन बीतल दिन के रमाइलो बाट करके हंसना करिन ओ दुख के पल समझ के आस गिरीना करिन। डांग देवखर के चैलाही गाँव सुखी परिवार में चलम हुई थीं सुमित्री के
रोइटी ई दुनिया में प्रवेश हुई थी। ऊंचाईला ही गांव में सुमित्री की रुआई की चित्कार सुना जी थी। डांग जिला के लमही बाजार से पूर्व दक्षिण पर्ना चैला ही गांव में और कठिन पावर थी सुमित्री। छोटी से छम छम चटपटा बटकर रथिन सुमित्री। कुमार थर के परिवार में जन्म ले लिन। करीब 2002 साल और सुमित्री चैलाही गांव भूमि में जन्मलिन हुर्कलिन। आज से करीब 70-75 साल पहले वही चैलाही गांव ठाव में अपन गोहिनसंग हस्ती रमैटी जवानी बेटी थीं। चंपन चैनार गांव नाच कोरफेन खूब से हुईना। लहंगा चोलिया तरिया सुटिया माला झिलमिलिया से सप्रल बठिनेन के बगाले पगाल नई नैंगना दे बाटे नहीं हो। वही गांव में सुमित्री जवानी बीते थीं। तीन बहनिया में से मझली रहिन सुमित्री। दुई भाई ओ दादू बाबा मिलके साथ जहन के खुशी ओ
सुखी परिवार रहन। परमेश्वर के बनाएल रीत अनुसार सुमित्री के भोज डांग देवखर के सलबरिया गांव में हुई पुगथिन। अपने बैसन रथी तरह दुल्हा भरखर एक अनारी अपन से 5-6 बरस छोट रथिन। दाई बाबा के आदर करके सुमित्री भोज करना में राजी हुई थीं। पहलक चलाव अनुसार दाई बाबा के मन पड़े से भोज के लाग पक्का कर देना करें। 5 भाई में सबसे बड़की बने जाई थीं सुमित्री। ससुरार घर फेन खान पीन से कुपुगल परिवार रहें। कुछ वर्ष पाछे सुमित्री संतान जन्मी थीं। 1-2 करट 5 लड़कन के मटारी बने पुथिन। 2 ठो छावा 3 ठो छाई के सुमित्री अपन लड़कन के मजा देखभाल करथिन। हुर्कै थिन, बढ़ै थिन, दाई के मजा भूमिका पूरा करले रहिन। कारणवश अपन लड़कन स्कूल देखाइने सिकले रहिन। अपने फिन स्कूल के मुटक देखिने पाइल रहिन। ज्या जसिन रले से फेन सुमित्री अपन लड़कन है मजा से सकु चीज में ख्याल कर ले रहिन। यह कर्म में अपन बाल बच्चा के भविष्य के सुख सुविधा के लाग डांग देवघर के सतबरिया से कंचनपुर के पुराकोट गांव और प्रस्थान करना सोच बना ले थे दुनु प्रारी। सुमित्री के श्रीमान संतराम ढुंगरहुआ कुसुमिया जब कंचनपुर के बेलौरी क्षेत्र और बसवास के लाग ठाव तैयार करे आयल बेला सुमित्री सतबरिया अकेली बहुत बात सुना पैलिन। उबेला सुमित्री के मन दुखे पुगल रहिन। ओ खूब रोइलिन। सुमित्री अपन लड़कन ने बहुत ख्याल करलक और से लड़कन ला कुछ करे पाना सोचती रहिन। कुछ दिन पाछे सब व्यवस्था मिला के अपन परिवार सारा बाल बच्चा ले आई थे। ओ डांग देवखर के सतबरिया से अपन सारा परिवार लेके बुरहान और प्रस्थान कर थे। सुमित्री अपन श्रीमान के पाछे पाछे अपन से लेके सब जहन के लुगा भौका में हुर हुर के ढले रहिन। वह भौका कपारिम बोक के ओ पीठिम छोट मोटी लड़का बोकले सासत से यात्रा करती रहिन। और संतराम ढुंगरहुआ कुसुमे फेन भट्ठा में छिटवा झुला के दुनू पाजर अपन छोट छोट 2 ठो लड़कन भरवा बना के बोकले 3 दिन 3 रात जहाँ रात वहीं पास लेटी कंचनपुर बेलौरी पुगठें। डांग देवघर के सतबरिया में अपन दाई बाबा भैया भतीजवा है छोड़ के अपन जन्मल घर छोड़ के जन्मलक ठाव माया मार के अपन ठाव के माया मार के लावा ठाव में अपन पहला टेकले रहिन सुमित्री। गांव ठाव सब कुछ लावा रहिन। ऊ परिवार के लाग एक ठो छोटी मोटी बुकरा से शुरू हुई थीं ऊ परिवार की जिंदगी। लावा ठाव आके खैना के लाग काम करे पड़ना रहिन। सुमित्री और संतराम अपन परिवार पालक लाग कमया लाग के बाल बच्चा पलठें। कुछ वर्ष अस्त के जीवन गुजारा हुई थीं। सुखी खुशी के संग खैती रमैती आनंद करती रहें। हर दाई बाबा के असर हट बच्चा भारी हुई ओ हमरिन खुशी मिली। काम काज में साथ मिली। छावा बाबा के काम में साथ दी ओ छाई दाई के काम में छावा बाबा के काम में साथ ओ छाई दाई के काम में साथ देती जैठा। सुमित्री अपन लड़कन कबू भूखे रहे नहीं देती। सब काम में डरगर रहिन। कुटना पिसना हुले से राती उठे पड़ना ढेकी में घंटों सम्म खामे गरवर हो के नींद के मारे ओंघा ओंघा ठान कुट के चौरक भात खवैना करिन। चक्या में दिन भर लगा के गोहू पीस के संझा एक छाक रोटी खवैना करिन। मूर्ख कुकरी कहाँ कना बोली के संग सुमित्री कुटे पिसे भन्सा करे उठिन। कलेसे संतराम भिन्सरे हर मच्या के खेटो और लगना करिन। 80 के अपन परिवार बाल बच्चा के हेरचाह करती जैठा। सुमित्री के कोख में से फेन से छाई व छावा के जलप हुईठिन। सुमित्री के कोख से जमा मिला 3 ठो छावा ओ 4 ठो छाई जलम लेथिन। 4 ठो छाई में से मजली छाई के कोख से संगम हरचम्बा के जन्म हुईठिन। सुमित्री के लड़का जस्तक जवान हुईटी जैठिन वस्तक सब लड़कन के भोज कर दी जैठिन। छावन के लाख पटुहिया लन्ना ओ छाइन हे विदाई करैना। सुमित्री सकु छावा छाइन के
भोज करके अपन दायक जिम्मेवारी कर्तव्य पूरा करथिन। जिंदगी एक अनौठो खेल में सुमित्री जिंदगी एक अंतिम सफर करतहिन। मन शांति संतुष्टि नहीं रह कल से सारा जिंदगी सुनने लागत। केकरो उत्साह ओ कोई चीज के आशा रहत कल से जिंदगी जिंदगी में जसिन दुख अले से फेन मन कबू निराशा नहीं हुई। सुमित्री के फेन एक चीज के असरा रथिन। हरदम कना करिन दुख पाछे सुख जरूर आइत। मनन के हेला मजा हो तर परमेश्वर हरदम मया करथई कहिन सुमित्री। सुमित्री सुख दुख जिंदगी सफर करती 2065 ओर अपन जिंदगी ख्रीस्ट येशुमा अर्पण कर दिलिन। संसार के ज्योति कहला जिना ख्रीस्ट येशु के वचन में आशा विश्वास भरोसा करके ख्रीस्ट येशु के आराधना करे पुगना करिन सुमित्री। कारण सुमित्री अपन सारा मन से अपन सारा तन से अपन सारा समझ से सारा संसार के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हे प्रेम करिन। सुमित्री अपन श्रीमान संतराम हे बहुत माया करिन, बहुत ख्याल करिन, सेवा सुसार करना करिन। सुमित्री पाहुनन के बहुत मजा बहुत मान सम्मान करना करिन। कौनो पाहुनन फेन अपन हाथक रिझाइल बिना नि खैले विदाई नहीं करिन। दया मायाले भरल कोमल हृदय के रहिन सुमित्री। बुराइल अवस्था में फेन ख्रीष्ट प्रभु येशु में रमैना करिन। मुहार में खुशी आनंद देखा परिन। परमेश्वर के आज्ञाकारी जीवन बीतती गलिन। छोटी मोटी बुखरा में खुशी आनंद के जीवन बिताई दहीन सुमित्री। हरेक हप्ता एक बगाल ख्रिस्टियन जवान लौंडा लौंडी वह सुंदर बुखरा में खुशी आनंद के गीत गा के संगति लगेना करिन। आपन मछली छाएक छावा नाना संगम ओ भुटू सिलास लगायत सारा बगाल है बहुत मान सम्मान करिन। मीठ मीठ खैना खैना करिन ओ बहुत खुशी हुईना करिन। बुराइल अवस्था में आके जवान वन से रमाई पाके बहुत खुशी हुईन सुमित्री। सुमित्री अपन जवानी में बिताइल पल के कहानी सुनिना करिन। अपन गोहिन संग हंसलक खेललक बाट करके हंसना करिन। डांग देवघर चैलाही गांव बयान करना करिन। छोटी मोटी परिवार में जलम लेके रोईटी ई धरती में प्रवेश कर लिन सुमित्री। केकर कहाँ पटा जिंदगी सफर में कौन मनिया कहाँ पुगट। अस्त के सुमित्री है फेन जिंदगी सफर में कहाँ से कहाँ पुगा सिकल रहिन। अपन जलम देना डाई बाबा छोड़ के हंसलक हुरकलक घर छोड़ के पराई घर जिंदगी काटे पड़ना कतरा रोयल हुईन सुमित्री। अपन दाई बाबा है छोरे बेला नहीं चाह के फेन अपन दाई बाबा घर द्वार छोड़ के पराई घर जाके जिंदगी बिताई पड़ना। सुमित्री अपन जम्मा लड़कन के भोज करा के वो इन्हें अपन अपन जिम्मेवारी सौंप देथिन। ओ अपने अपन जिंदगी के अंतिम सफर में रथिन। सुमित्री शरीर में कमजोर हिटी जैथिन बेराम पड़थिन तब फेन अपन पहला नहीं रोकथिन। सेक नहीं सेक करके अपन करना काम करती रहथिन। जिंदगी के अंतिम सफर से लड़तहिन सुमित्री। अपन मनन से हंसलक बाट करलक ओ चर्च में सारा विश्वासिन संग संगति करलक। येशु के गीत गैलक येशु के लाग ताली बजेलक समझ के आँखी में से आँस गिना करिन। बल लागत सम खाम पानी जार सहके बेलौरी पुरा कोट गांव से पुनर्वास अमरय जीवन मंडली में परमेश्वर की आराधना करे जैना करी सुमित्री। सुमित्री जिंदगी के अंतिम सफर से संघर्ष करती रहथिन। सुमित्री 6 घंटा एहोर तोहोर करके अपन दाई डमाट वन से भेंट करे ओ संगति करे पाइल में खुशी हुई ना करिन। अपन नाना नानी आजा आजिन संग हाँसे बोले पाके हंसना करिन सुमित्री। जब सुमित्री कमजोर हुई लिन बुढ़ा गिलिन ओ हाथे में टेक्नी लाग गिलिन ओह बेला सुमित्री अपन छुट्टी मुट्टी बुकरा में एकांत कोना में बैठ के अपन बाल बच्चा नाती नतीनिया ओ सारा मनिन के
सुरक्षा शांति हरेक काम के मेल मिलाप हो, हरेक काम के प्रगति के लाख रो रो के यीशु से प्रार्थना करना करीन। सुमित्री चाहिन मोर अपन संतान अपन मनई यीशु में अनंत जीवन पाई सकें, वहे घर में अनंत सम्म सुमित्री पटाओ सकल रहें कि मोर जिंदगी अंतिम आ सकल बा। एक पाछे मही जाए पर्न बा, इस संसार से सदा के लाग ई बुकरा छोर के उस स्वर्ग के घर में जहाँ सीसा चमकना सोनक डगर बा, जोन घरक डवार मोतीले बनल बा, उ घर में अनंत सम्म रहे पैना आशा विश्वास रथिन सुमित्री के, जहाँ कबू दुख के आस नहीं गिरी, जहाँ कबू रात नहीं पड़ी, जहाँ कुछ चीज के जरूरत नहीं पड़ी, ना दिनक अजरार चाहे सदा खुशी आनंद के घर रहे पैना आशा में सुमित्री जिंदगी अंतिम सफर से संघर्ष करती। खटिया में छटपटे तीर थीं शनिवार के दिन सारा चर्च में परमेश्वर के आराधना हुई थे। सुमित्री जुन अपन बुकरम अंतिम सांस से लड़ती रहीं, हर शनिवार यीशु का आराधना करे चर्च जन्य सुमित्री। खत्या में छटपटे ती यीशु नाम मन में गुंजथिन। सुमित्री अंतिम सफर में जिंदगी अंतिम सांस ख्रिस्त यीशु में छोड़ते थी। मिति 2072 चैत 6 गते शनिवार सुमित्री ई दुनिया में से सदा के लाग अपन लड़कन अपन श्रीमान अपन सारा मनिन छोड़ के स्वर्ग के घर चल गई। सुमित्री के चाहना रहीन, मैं जहाँ रहम मोर लड़कने फेन उहे ठाव देखे पाऊ, मोर छाटिक दूध चुसाइल अपन लड़कन है, रोट होके भूखले प्यासे होके हुर्कैनु, उ लड़कन स्वर्ग के घरे संगे देखे मिले ओ रहे मिले कना सुमित्री के चाहना रठिन। रही को भाकले यो मुटु लै छायो एकांत मा तड़पी तड़पी न्याली चली बजाओ सारंगी दाई सारंगी को धुना ओने लाई समझी समझी रुच मेरो जीवनु न मरनु पार्यो बिछोड़ा को हुरी ले कहली तो हुमारी ले कहाँ बाट कहाँ पुर्यायो कहाँ बाट कहाँ पुर्यायो बर्शो आखा बात कहाँ लागनू पोता
ढुङ्गे मुटु हैन यो सहनालाई चोट झरनामा बगी जाने पहराको आँसु ओठ भरी बेथा लुकाई कसरी महासु यी धरतीमा लेहुले फेल स्वर्ग घर रहे पैना चाहना र ठेन्छु मित्री के यी चाहना के लाग्छु मित्री रात दिन रो रो के प्रार्थना गर्न गरिन् अन्तमे सबके दशा के बा एक दिन जन्मना हो एक दिन मुना सात ठो लर्कन तिन भाइ ओ चार बहिनी के पुर्खा सुमित्री अपन मजली छाइ कोख से जन्मल संगम है छोटी में कना करिन नाना पढ़ाई में ध्यान दिस पहरबे ते अपन लाग पहरबे अपन जानल बुझल ज्ञान गुण के किताब पढ़ती रहिस ओ अपन कलम चलाइती रहिस जिंदगी के सफर में साहित्य और कलम चलेना प्रयास करते संगम सोचता ये संसार से लेके जीना का चीज बा जिंदगी सफर में और जान के हीट के लाख भूख प्यास अभाव में दौड़ के साहित्य और कलम चलाना प्रयास करते हैं संगम सोचते हैं संसार से लेके जाना का चीज बा जबकि अपन शरीर अपन नहीं हो कले सेकट सम्म अपन ठन रहल ज्ञान गुण माया प्रेम देखे जाना बा के जानता ऐना जिंदगी पल ना जाने कब का हो जाए इते जिंदगी अंतिम सफर हो तिमी गयो तिमी संगे गयो सारा खुशी के गरेर बाच्नु मैले अब एक्लै बसी डाँडा काँडा कराउँदै तिम्रो नाम लिन्छु पहरामा ठोकिएर तिम्रै बोली सुन्छु साई सार्यो जिउनु न मर्नु पार्यो बिछोडाको हुरीले कहालिदो भुमारीले कहाँ बाट कहाँ पुर्यायो कहाँ बाट कहाँ पुर्यायो यो श्रोता मित्र ग्रह आज मैं प्रस्तुत गर्नु जिंदगी अंतिम सफर शीर्षक बना सत्य कहानी